So he is Uddeshya Gurung, guys, the manager of this hotel property. Okay. ये देखिए कितना अच्छा है बेड. वैसे तो हम दोनों लड़के आए यहाँ पे, लेकिन पूरा हनीमून स्वीट दे दिया है. और यहाँ पे आप देख सकते हैं टीपॉट, यहाँ पे एक टीवी जिसकी कोई जरूरत नहीं है, और दिस इज द बाथरूम. यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा वाला मिरर मिल रहा है. मैं अपने आप को देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता मिरर में, क्योंकि मैं बहुत गंदा दिखता हूँ. और इसके साथ यहाँ पे आपको मिल रहा है एक कबर्ड. चलिए बाथरूम देखते हैं, बहुत ही साफ सुथरा है, बेसिक एमिनिटीज दिया हुआ है. यहाँ पे ब्रश है, पेस्ट है, साबुन और सारा कुछ. ये लैट्रिन हो गया, और यहाँ पे आपका नहाने का जगह. तो गाइज, एट फर्स्ट साइट दिस प्लेस इज ऑसम एंड आई हैव लव्ड द प्लेस. Magpie Chestnut Retreat. क्या व्यू है यहाँ से. और ये लोग बोल रहे हैं कि आगे जो है ना, मतलब सामने पूरा जो है यहाँ पे पूरा एकदम यहाँ पे बहुत बढ़िया वाला कांचनजंगा का रेंज दिखता है, जो कल सुबह शायद हमें दिख जाए. गाइस, अभी नहा धो के मस्त फ्रेश लग रहा है, और लंच भी आ गया है. ये यहाँ पर है अपन का लंच. अभी ये बेहतरीन व्यू देखते हुए हम लंच करेंगे, फिर निकलेंगे स्काई वॉक की तरफ. हेलो गाइस, दिस इज द प्रॉपर्टी वी आर स्टेइंग फॉर द नाइट टुडे. अभी टाइम हो गया है 4:07, 4:07 PM. तो चलिए थोड़ा अभी पेलिंग सिटी के सैर करने चलते हैं, और देखते हैं कि कुछ अगर अच्छा व्यू कहीं पे मिल जाएगा तो आपको भी दिखा देंगे. तो अभी तो हमारा डेस्टिनेशन है, पहला डेस्टिनेशन है संगा चोलन मोनेस्ट्री, मतलब जिसको हम सब लोग स्काई वॉक बोल के जानते हैं. पहले तो हम स्काई वॉक चलेंगे. मैं ऑलमोस्ट 2 साल पहले यहाँ पे आया था पेलिंग में, इसका व्लॉग अभी भी है, इस लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं वो स्काई वॉक का ड्रोन शॉट जो कि मैं 2 साल पहले डाला था अपने चैनल पे. मेन रोड तक रास्ता थोड़ा सा अच्छा है, इसके बाद रास्ता थोड़ा ख़राब मिलेगा. व्यू पूरा फॉग ही फॉग है चारों ओर, कुछ भी व्यू नहीं है. इस स्काई वॉक जाने के लिए ये लेफ्ट का रास्ता पकड़ना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में. तो हेलीपैड, स्काई वॉक, सब कुछ ये लेफ्ट साइड में ही है. राइट साइड में आपको होटल्स मिलेंगे. आप देख सकते हैं यहाँ पे रेस्टोरेंट ओपन है. स्काई वॉक इधर है, एक बंदा तो नीचे चला गया. नीचे चला गया? हाँ, ऊपर आए. अच्छा, मैंने बोला नीचे से इधर था वो. अच्छा, ऊपर गया है, नीचे गया है. कॉल कर लेते हैं उसको. तो ये रास्ता है स्काई वॉक का और हेलीपैड का. तो यहाँ पे आके आप लोगों को लेना पड़ेगा लेफ्ट टर्न स्काई वॉक जाने के लिए. दिल थाम के बैठ जाओ, अभी वीडियो का मेन जो कंटेंट है वो शुरू होने को है. अब तक तो आपने सिर्फ जर्नी देखा है सिलीगुड़ी से पेलिंग तक का जर्नी, लेकिन अब शुरू होता है असली कंटेंट. ऊपर का रास्ता पता नहीं कहाँ तक जा रहा है, लेकिन हम लोगों को लेना है लेफ्ट का रूट, नीचे का रूट.
क्या नजारा है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत ही उम्दा। मुझे याद है गाइज, लास्ट टाइम जब मैं ड्रोन उड़ाया था ना, तो मैं यहाँ से उड़ाया था, इस प्लेस से, यहाँ पे खड़ा होके उड़ाया था अपना ड्रोन। बाप रे, तब तो रास्ता बहुत बढ़िया था, अभी ना खराब हो गया है, एकदम खराब। यहाँ पे थोड़ा सा एक ऑफ रोड वाला पैच, ओके गाइज, ये हम पहुंच गए, ये हम पहुंच गए, ये है मेन स्काई वॉक का मोनेस्ट्री। वेलकम टू सेनरेजिंग शिंगखाम रियो पोटाला सांगनांग चोलिंग वेस्ट सिक्किम, मास्क रिक्वायर्ड बिफोर एंटरिंग। तो चलिए अंदर चलते हैं। ये है पार्किंग फॉर बिग कार, इन एंड आउट। इसका पार्किंग था साइड में बाइक का, हाँ बाइक का पार्किंग है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम बाइक पार्क करेंगे। तो देखते हैं कि अभी हम लोग अंदर जा सकते हैं या नहीं। टाइम हो गया है 4:52, तो यहाँ पे अभी देख रहे हैं बंद है। अच्छा, विजिटिंग आवर्स जो मुझे दिख रहा है वो है 8 AM मॉर्निंग से 4 PM इवनिंग तक, ठीक है। और लोकल विजिटर्स जो है 50 और टूरिस्ट लोगों के लिए 100, DSLR कैमरा के लिए चाहिए 50 और ड्रोन कैमरा के लिए चाहिए 1000। सो दिस इज द डिनर टाइम गाइज, अभी वक्त हो गया है 9:45 PM। डिनर में आज क्या क्या है, डिनर में आज है चावल, चिकन और दाल। तो गाइज, सारा दिन राइड में चला गया था और हम लोग ये मैकपाई रिट्रीट में आके पहुँचे तब लगभग 1:30 होगा। तो फिर लंच करके थोड़ा सा रेस्ट लेके हम लोग निकल गए थे बाहर, लेकिन वो इधर बहुत ख़राब हो गया था तो कुछ ऐसे व्यू मिला नहीं। तो उम्मीद है कि कल सुबह बहुत अच्छा व्यू मिलने वाला है, क्योंकि अभी आसमान पूरा एकदम क्लियर है, कोई भी क्लाउड नहीं है। तो अभी डिनर का मज़ा लेंगे, डिनर करेंगे और फिर जाके आज के लिए तो गाइस सो जाएंगे। लेकिन आपको एक सुबह आपको जो उद्देश्य से मिलाया था यहाँ का जो मैनेजर है, इंचार्ज हैं, थोड़ा उससे बात कर लेंगे कि इस होटल में क्या क्या सुविधा उपलब्ध है और क्या क्या
आप लोग यहाँ पे आके अवेल कर सकते हैं। बेसिक अम्यूनिटीज़ क्या है, क्या टैरिफ्स है और क्या कुछ है। ये प्रॉपर्टी गाइस मेरे ख्याल से तो बहुत ही बढ़िया है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि मैं पीसफुल प्लेस बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो एकदम पीसफुल एरिया में है और बैल्कनी, हर एक रूम में बैल्कनी है और रूम से व्यू, हर एक रूम से व्यू इज़ ब्यूटीफुल। तो चलो अभी खाएंगे, डिनर करेंगे और फिर बात करेंगे उद्देश्य से, ठीक है। Hello everyone, namaste. My name is Uday Shugurung and I am the resort manager for Magpie, the Chestnut Retreat here at Pelling. We have been closed for more than 9 months now, and now the Sikkim government has opened the doors for the tourists, and we really, really want to welcome you all with the same hospitality, same love, with bit of hygiene and lots of social distancing now as the led SOP led by the government of Sikkim. If you're looking for a serene and quiet place to stay in, with the mesmerizing view of Kanchenjunga, so we are here open for you, and you can book us on TripAdvisor and all the online sites that we have, and for that the link will be in the description below. I'd like to request you to, before visiting Pelling or any Sikkim state, you need to apply for the travel card, which for the link will be in the description below. So make sure before visiting our place that you have your travel card with you. So I hope to see you soon with us. Thank you. So, सुन लिया उद्देश्य से, वो लोग अभी आप लोगों को एक्सपेक्ट कर रहे हैं दिल से। तो गाइज अगर आपको पेलिंग विजिट करना है, एक अच्छे रिसोर्ट में रहना है, तो विजिट दिस Magpie Chestnut Retreat. दिस इज अ 4-star प्रॉपर्टी एंड दे हैव अदर प्रॉपर्टीज ऑल्सो। सी यू सुन गाइज, आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, अभी मिलेंगे Day 2 में आपके साथ। कल हम लोग आपको दिखाएंगे स्काईवॉक, फिर यहाँ से चाहेंगे वापस सिलीगुड़ी थ्रू दार्जिलिंग। सो दैट विल बी अ न्यू रूट फॉर यू गाइस। तो चलो आज के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, टेक केयर।